नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि हर बार बहुत ही कारगर, बहुत ही सरल, बहुत ही सटीक, बहुत ही शक्तिशाली वशीकरण के उपाय लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होती हूँ। आज फिर से एक बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही सरल उपाय लेकर आपके सामने फिर से हाजिर हुई हूँ। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगी कि यदि आप किसी स्त्री का सम्मोहन करना चाहते हैं, किसी लड़की का वशीकरण करना चाहते हैं, तो किस तरीके से किया जा सकता है, वो वशीकरण कैसे किया जा सकता है किसी स्त्री का सम्मोहन। दोस्तों, इस विधि को करने से आप आसानी से किसी भी स्त्री या लड़की को अपने वश में कर सकते हैं। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि बहुत से उपाय ऐसे भी होते हैं जो बहुत सरल होते हैं, सटीक होते हैं, जिनको करके आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको एक ऐसी ही विधि, एक ऐसे ही मंत्र के बारे में बताऊंगी जिससे कि आप किसी भी स्त्री को अपने वश में करने में सफल होंगे। इस विधि को करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको एक चीज का ध्यान रखना है। लोगों के मन में विचार आ जाते हैं कि किसी को यदि सम्मोहित करना हो, किसी को अपने वश में करना हो, तो उनसे मिलना आवश्यक होता है, उनको कुछ खिलाना पिलाना पड़ता है। लेकिन नहीं, आज जो उपाय मैं आपको बताऊंगी उस उपाय के माध्यम से उनसे बिना मिले, उनको बिना कुछ खिलाए पिलाए आप अपने वश में कर सकते हैं। चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो या रहती हो, उस पर वशीकरण बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस विधि के लिए आवश्यक सामग्रियां होंगी कुछ, जिसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। आपको जरूरत होगी थोड़े से जल की। एक कलश में आप ले लें थोड़ा सा जल। थोड़ा सा जल लेने के बाद आप उसको अपने पास रख लें। फिर ले लें एक दिया और इस दिए में तेल डालकर आप इस दिए को जला लें। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आप जब इस उपाय को करते हैं, आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए, उस व्यक्ति का नाम होना चाहिए। साथ ही आप ये सोच के बैठिए कि वह दुनिया के जिस भी कोने में है, आपको ये उपाय करने के बाद वह जरूर हासिल हो जाएगा। क्योंकि कहा जाता है कि मन में श्रद्धा भावना होने से उपाय की जो शक्ति है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। तो आप कलश ले लें और कलश के अंदर ले लें जल। कलश में जो जल है उसको लेकर साफ सा आसन लगाकर वहां पर बैठ जाएं। और वहां बैठने के समय एक चीज का ध्यान रखें, वो जगह एकांत होनी चाहिए और आपके आसपास कोई नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप 11 बार उस स्त्री का ध्यान करें जिसको आप वश में करना चाहते हैं, उसका नाम लेते हुए मंत्र का उच्चारण करते हुए 11 बार उस पानी को पिए। 11 बार आपको मंत्र पढ़ना है, 11 बार उस स्त्री का नाम लेना है और हर बार यानी के 11 बार जल को पीना है। एक बार मंत्र पढ़ा, स्त्री का नाम लिया, जल पिया। दूसरी बार मंत्र पढ़ा, स्त्री का नाम लिया और जल को पिया। ऐसा कर लेने से आपकी जो समस्या है दूर हो जाएगी और वह स्त्री आपके वश में हो जाएगी। तो चलिए उपाय बताती हूँ आपको और साथ ही आपको बताती हूँ मंत्र। इस तरीके से इस उपाय को करना है और मंत्र का जाप है ओम काम देवाय रंजनी स्वाहा। जी हाँ, एक बार फिर से आपको मंत्र बता देती हूँ, ओम काम देवाय रंजनी स्वाहा। इस मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। हर 11 बार में फिर से याद दिला दूं कि मंत्र का जाप करना है, स्त्री का नाम लेना है और एक घूंट जल पीना है। 11 बार ऐसा करना है। ऐसा कर लेने से आप जिसको चाहते हैं वह हमेशा के लिए आपकी हो जाएगी, आपको आपका प्यार हमेशा के लिए प्राप्त हो जाएगा। अब आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, इस वशीकरण को करके, इस उपाय को करके आप उसको पा सकते हैं। अगर आप ऐसे ही उपाय जानना चाहते हैं और आप इन उपायों के बारे में और भी जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं या फिर मंत्रों के बारे में जानना चाहते हैं, तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं आप इन पर संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी।